Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D Zone. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube channel Wildlife D Zone में. तो साथियों मेरे साथ है खत्री जी और साथ में आज भाई है शुभम जो कि खत्री जी का भतीजा है. बेसिकली ना मतलब हम आज लोकल में ही ट्रिप कर रहे हैं लेकिन ये शाम का वक्त हो चुका है तो मैं भी बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा. और आज हम जाने वाले हैं नाइट ड्राइव करने कुछ ऐसे जंगल में ना जहाँ मतलब कि गाड़ियाँ की मूवमेंट मतलब ना के बराबर होती है. जीरो मतलब जीरो ही है. मतलब ये मान लो कि ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ हम आपको लेके जाएंगे. अगर कुछ नाइट ड्राइव में आपको दिखाने की कोशिश पूरी होगी कोई भी अगर एनिमल्स या बर्ड्स दिखती है जो नाइट में एक्टिव होती है तो पूरा ट्राई करेंगे. तो फिलहाल अभी चलते हैं. बाकी हमारे शहर का बाहर का आउटर वाला एरिया जाता है हल्द्वानी. तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाद वो जंगल स्टार्ट हो जाता है. और आप लोगों को जैसे मैंने बताया भी था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद पूरे इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो इन्हीं इलाकों में हैं जो कि तराई का आर्कलैंड है आउटर कॉर्बेट एरिया. तो यहाँ मतलब जितने जिम कॉर्बेट में हैं उसके हाफ से भी ज़्यादा टाइगर हैं यहाँ पे. तो आज देखते हैं क्या हमें रात को देखने को मिलेगा. खैर ऐसे अभी मतलब जो आउटर वाली रोड है ना वहाँ हम पहुँच गए हैं और इसके बाद मतलब थोड़ा आगे जाके जंगल भी स्टार्ट हो जाएगा. तो यार अभी हम जस्ट फॉरेस्ट के अंदर तो प्रवेश कर गए हैं. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो ये रास्ता हमारा जा. तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और रास्ता अब ऐसा ही मिलेगा एकदम टोटल ऑफ रोड. तो काफ़ी डेंस ये फॉरेस्ट है और ज़्यादातर मतलब साल या सागौन के ही पेड़ है यहाँ पे. और अब तो एकदम मतलब अंधेरे का टाइम हो गया भाई पूरा अंधेरा. तो इस साइड तो कुछ दिख भी नहीं रहा है. आगे कुछ है कर उस टाइप का. चलते रहो रोड पे आएगा. तो सबसे पहले खरगोश दिखा मैं भाग गया लेकिन. तो यार अभी सबसे पहले हमें खरगोश तो मिल गया है और बाकी देखो हमें जाना है एक आगे की रास्ते लेकिन जो क्रॉस करने के लिए आज हमने चुना है ना वो हमने ये रास्ता चुना हुआ है. तो इस और अक्सर मतलब हमें यार ऐसे ऑफ रोडिंग करने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है. तो आज हम सिर्फ ऑफ रोडिंग करने वाले हैं और साथ में अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिखती है ऑन द रोड तो आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी. और साथियों कुछ बातें ऐसी होती ना मतलब अभी जस्ट मैंने देखा था BBC न्यूज़ ने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी आप लोगों ने भी शायद देखी होगी बहुत लोगों ने. तो उसमें जो उनकी बात थी ना मतलब टाइगर डे में टाइगर की पॉपुलेशन बड़ी है खुशी होनी चाहिए. वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हम इंसानों के लिए नुकसानदेह है. बाघ की संख्या बढ़ रही है जो जंगल में रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे. और उनने कुछ इंटरव्यू दिखाए थे उसमें एक विलेजर्स बोलते हैं कि पहले बाघ सही थे अब लोगों को मारने लग गए हैं. तो यार ऐसा तो बिल्कुल कभी था ही नहीं. तो देखिए अगर दोनों की आपसी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो बाघ को अगर लगेगा कि उसके एरिया में कोई आ रहा है तो वो उसके लिए सारा जो है ना जो भी इंसान उसके एरिया में जा रहा है वो प्रे है. इंसान और जानवरों में अगर रहने के लिए संघर्ष होने लगे तो क्या होगा. कुछ ऐसा ही हो रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में. यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बड़ी है लेकिन उसी के साथ बड़ा बाघ और जंगलों में रहने वालों के बीच तनाव भी. क्यों बढ़ रही है ये लड़ाई, क्यों बाघ बन रहे हैं आदमखोर, देखिए बीवी. बाघों को मिले संरक्षण की वजह से यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़ी लेकिन उसी के साथ बढ़ा बाघ और जंगलों में रहने वालों के बीच तनाव. शेर बाघ था पहले पर ऐसा नहीं था जैसा आज कांड कर रहे उठा ले जा रहे हैं वैसे झपट जा रहा है हर चीज के डर हो गए. भारत के जंगलों में जानवरों और इंसानों के बीच रिश्ता सदियों से चला आ रहा है. जो आदिवासी जो 5000 साल से जंगलों में रह रहे हैं आप 72 में आए और प्रोजेक्ट टाइगर आपने शुरू किया तो वहाँ पर आपने इनको बाघ के नाम से संरक्षण के नाम से आपने इनको निकाल बाहर किया. उस औरत को ऐसी पकड़ी डाली नीचे मर गई वो बेचारी. लेकिन अब जंगलों में रहने वाले इन लोगों पर बाघ हमला कर रहे हैं. वो जंगलों में से निकलकर उसके पास बनी बस्तियों पर धावा बोल रहे हैं. पर ये बाघ आदमखोर क्यों बन रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कुछ खास कारण हैं.
जो पहले कंटिन्यूस हैबिटेट होता था टाइगर का, कि वो उत्तराखंड से असम तक जा सकता है, वो बड़े बड़े टेरिटरीज में जा सकता है, वो मेट कर सकता है बहुत सारे फीमेल्स के साथ, वो अब नहीं रह गया है। अब हम ये देखते हैं कि जंगलों के बीच बीच में सेटलमेंट्स आ गई हैं और उनका मार्ग रुक गया है टाइगर्स का, और वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में सीमित होकर रह गए हैं। तमाम विवादों के बावजूद भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जिसके साथ लोगों का डर भी बढ़ रहा है। बाघ अब बेहद खतरनाक हो गए हैं और जंगलों में रहने वाले बाशिंदे डर के साए में जी रहे हैं। तो वो चीज ना समझ के उल्टा समझा रहे हैं, और बाकी उसके बाद एक सो कॉल्ड कंजर्वेटर वहाँ पे बता रहे थे कि पहले टाइगर अपना जिम कॉर्बेट से आसाम तक जाता था, लेकिन अब उसका रास्ता रोक दिया गया है। तो देखो, रास्ता रोका गया है, बीच में कई सारी चीज़ें बन गई है, डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं मानता हूँ कि मतलब कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो जानवर का कॉरिडोर है वो बंद हुआ है या कम हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टाइगर उत्तराखंड से आसाम जाता था, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। टाइगर अपनी टेरिटरी में ही रहता है हमेशा, और टेरिटरी में रहना ही पसंद करता है। एलिफेंट वगैरह है जो माइग्रेशन करते रहते हैं, जो जाते रहते हैं उत्तराखंड से आसाम, वो अभी भी जाते हैं। अगर एलिफेंट जा सकते हैं तो टाइगर भी अगर जाने वाला होता तो टाइगर जाके ही रहता, लेकिन टाइगर कभी से भी जाने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ चैनल वाले काफ़ी ज़्यादा मिथ लोगों के बीच पैदा करते हैं। क्यों खत्री जी? हाँ, टाइगर तो अभी टेरिटरी में रहेगा यार, वो हर को जाएगा। हाँ, एलिफेंट जो है मूव करते हैं यहाँ से, हमारे जैसे उत्तराखंड में जो एलिफेंट हैं कॉर्बेट में, हाँ वो यहाँ से टनकपुर होते हुए नेपाल तक जाते हैं। और न्यूज़ वाले ये भी कह रहे थे कि यार पहले टाइगर ऐसे नहीं होते थे, अब लोगों को खाने लग गए, तो इसका क्या कारण है बताओ आप? लोगों को तो पहले भी खाते ही थे, ऐसा कुछ भी पहले नहीं खाते थे, क्योंकि पहले जो है संख्या बहुत कम होती थी। अब जो है लोगों ने जंगल के किनारे अपने मकान बना लिए हैं, और जंगल पे जो है अतिक्रमण हो रहा है, जंगल में अतिक्रमण हो रहा है, जंगल में उनके एरिया में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको भी परेशानी हो रही है। सही बात, क्योंकि उनका जो एरिया है वहाँ से वो रोड भी क्रॉस करते हैं, दूसरे जंगल की ओर भी मूव करते हैं, तो रास्तों में जो इंसानी बस्ती पड़ती है उसकी वजह से बहुत ये चीजें देखने को मिल रही है कि टाइगर जो इंसान पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अटैक करने का उसका इरादा नहीं होता है, लेकिन अचानक इंसान उसमें जब आमना सामना होता है तो अपने बचाव के लिए वो इंसान पर अटैक कर देता है, ये भी कारण है। तो यार मैं वही बात करूँगा कि जैसे जिम कॉर्बेट की अगर बात करते हैं ना, उसके आसपास इलाकों में तो एक टाइम हुआ करता था, वहाँ पे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 लोगों की जनसंख्या होती थी, लेकिन आज की डेट में जो विलेजेस हैं उस साइड, वहाँ जनसंख्या बढ़ के 2,000-3,000 हो चुकी है, और वो लोग फिर आपको पता है जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे मतलब सुरक्षा घटेगी, तो लोग ऐसे वैसे जंगल की तरफ जा रहे हैं, तब जाके वो शिकार बन रहे हैं टाइगर का। इसका एक कारण ये भी है ना, जो आप आजकल जो भी घटना होती है हमें एकदम पता चल जाता है। हाँ। उसका मेन कारण है मीडिया। हाँ। पहले तो सालों पहले मीडिया का तो नाम निशान था नहीं। हाँ। अब यहाँ से अगर कहीं बाहर कोई शिकार हो गया, किसी ने मार दिया, तो कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि वहाँ तो अखबार की रिपोर्टर भी नहीं आते थे, तो पता भी नहीं चलता था ना। और पहले जो है लोग टाइगर वगैरह मारते भी थे, उसके खाल मतलब अपने घरों में रखते थे, तो भी पता नहीं चलता था। अब जो है गवर्नमेंट बहुत सक्रिय है और बहुत सख्त कानून बन गए हैं, तो ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आती हैं, पहले नहीं आती थी, होता पहले भी था, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में पहले नहीं था, मेरा अपना मानना है ये। और बाकी देखिए, मतलब कहीं ना ये न्यूज़ चैनल वाले लोगों को मिथ पैदा करते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी देखिए, इतना बड़ा चैनल ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, भाई वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जंगल मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिहाज से हम बात करें तो अनएक्सप्लोर्ड है, शायद ही अभी तक ये एक्सप्लोर्ड हो पाया होगा, और बस कुछ विलेज वाले ही ये रास्ता क्रॉस करते हैं, जो मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं, या फिर अपने गाँव को जाने को। हाथी की डंग थी, हाथी की पोटी। तो दूर से ऐसा लग रहा था ना कुछ ऐसे, और जंगल में घुसते हैं मतलब ना ऐसा कभी आप फील करना, अगर आप जंगल में घुस रहे हैं ना,
जंगल में फिर आपको कोई भी चीज ना ऐसा लगता है कि यार ये कुछ है, ये कुछ है, हैं खतरे जी? होता है, डर भी लगती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, और डर भी, मतलब तो मतलब बहुत चीजें अपने आप ही आ जाती है जंगल आते ही, तो वो चीज़ है। जंगल घूमना भी मतलब अपने आप में इजी नहीं है, पहले तो आपकी गाड़ी भी मजबूत होनी चाहिए। तो अभी हम चल रहे हैं खत्री जी की बोलेरो में, और बाकी खत्री जी हमारे ड्राइव कर रहे हैं आज। और ये टाइगर की मतलब एकदम कोर टेरिटरी है, उसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट भी माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे जानवरों का इलाका है। तो बस देखते हैं अगर कुछ देखने को मिलता है। और काफी ज्यादा खुखार है जंगल, काफी ज्यादा डेंस। और सामने गाय है, कोई विलेज आ गया भाई। यहाँ पे गांव में जो लोग रहते हैं उनकी बस्ती थी, ये बस्ती के एक दो घर ही थे। तो भाई साहब यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, तो उसके पास हम हैं अभी। आराम से चलो चलो चलो। अभी जस्ट हम बता रहे थे ना कि गांव में जस्ट पहुंचे और हमें मिले हैं भैया, तो अपने घर के पास ही हैं। तो भैया आपका नाम, शुभ नाम? अजय भाई। तो आप यहाँ एकदम जंगल के बीचों बीच ही, हम तो बहुत अंदर आए हैं, तो कैसे रहते हैं आप? जैसे यहाँ के आम लोग रहते। तो मतलब यहाँ जानवर वगैरह तो काफी है ना? क्या क्या है वैसे जानवरों में? चीता, ईटर, बारहचूंगा, हाथी। अच्छा, और शेर वगैरह, टाइगर। टाइगर है यहाँ? तो आपने देखा हुआ है कितने बार? एक आध बार। अच्छा, एक आध बार, मतलब गांव वाले भी देखते रहते हैं। तो ऐसे कुछ नुकसान वगैरह देता है कभी? हो उसकी वजह से आपको कोई हानि या कोई डर? तो जैसा अभी एक देख रहा था, एक मीडिया वाले बोल रहे थे कि पहले शेर ऐसा नहीं था, अब बिगड़ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो ये हम एकदम जंगल के कोर जंगल में जो लोग रहते ना उनसे हम ये बातचीत कर रहे थे। इनको कोई भी डर नहीं है शेर से, और उनको पता है कि कैसे रहना है शेर के सामने। तो आपको पता ही है कि कैसे, मतलब सब कुछ? कभी उसने हमला नहीं किया। हमला नहीं करा? और आप उसके सामने वैसे भी दूर से? हाँ। और बाकी जैसे मवेशी को तो मारते रहता होगा जैसे आपके पालतू जानवर? अच्छा, तो उसका रिइंबर्समेंट देती है फॉरेस्ट वाले? एप्लीकेशन तो लगा रखी है, पता नहीं मिलता होगा। तो यार ये देखिए मवेशी, बस इनका भी अंदर जाने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में इनका गेट खुल जाएगा, गेट के बाहर आ चुके हैं सब। तो देखिए कितने समझदार होते हैं ना, जंगल जाते हैं चढ़ने के लिए और जस्ट अभी आ चुके हैं सारे घरों के आसपास, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे वो सेफ है। लेकिन आगे क्या, आगे एक अकेला भी है भाई। तो ये लाइट अभी जल रही है, आप देखना इतना अंधेरा है भाई। आगे तो रिवर आ गई है, लेकिन ये ऐसी रिवर है ना, अभी पानी कम है, लेकिन अगर पहाड़ों में बारिश होगी तो यहाँ का पानी चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से आगे नहीं जाते क्योंकि खत्री जी। तो अभी हम आगे की तरफ तो चल रहे हैं, क्योंकि यार एडवेंचर तो इसके आगे ही है। ओ भाई,
खत्रे जी का एक एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं आपसे। तो खत्रे जी क्या हुआ था? मैं जब गया था तो फॉरेस्ट हेड़ाखंड फॉरेस्ट हमारे घर के सामने है ना। हाँ हाँ। तो मैं करीब 5 किलोमीटर के आसपास पर पहुंच गया था उस दिन पहले चलते चलते। अच्छा। और जब मैं ऊपर गया तो मुझे एक आवाज सुनाई थी। हाँ। जंगल से। हाँ। तो एक अलग ही टाइप की आवाज थी वो। हाँ। और मुझे उस टाइम रहना था तो मुझे इतना पता भी नहीं था क्या होता क्या नहीं होता, तो मैंने सोचा आवाज देखता हूँ किसकी है, क्योंकि उस जंगल में ग्रेट हॉर्नबिल भी वहाँ पर जो बर्ड है वो भी रहती है। हाँ। तो वो भी मतलब ऐसी कभी आवाज करती ना। हाँ। उसकी आवाज भी ऐसी लगती है जैसे लंगूर बोल रहा है या हिरन वो बोल रहा है। हाँ। तो मैं गया तो मैंने सोचा वो भी तो वहाँ देखा था लंगूर पेड़ है, पेड़ पे लंगूर थे और लंगूर अलग ही टाइप की आवाज कर रहे थे। तो मैं गया थोड़ा आगे तो मैंने अपना कैमरा निकाला तो ऊपर नीचे जैसे हम मैं था हाई बैंक के समझ लो एक ऊंचाई वाली जगह पे और नीचे एक पेड़ था करीब होगा पेड़ वो 100 मीटर की दूरी के आसपास ऐसी होगा। तो मेरी नजर गई तो मैंने देखा तो मुझे पीले रंग की चीज दिखाई थी। अच्छा। जैसे अजगर होता ना अजगर। हाँ। मैंने कहा अजगर। हाँ। तो मैंने पहले अजगर ही समझा दूर से। तो अंदर मतलब खुशी हुई या डर था? तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था क्या करी, मैं तो अजगर के हिसाब से मैं उस टाइम चला। अच्छा। मैंने कहा अजगर मनी मन में अपने। अच्छा। तो मैंने अपना जैसे कैमरा ऑन किया मैंने जब लगाया पेड़ में देखा तो वो था तेंदुआ। अच्छा। और तेंदुआ ने मतलब एक सेकंड मेरी ओर देखा, मैंने फोटो वोटो क्लिक कर लिया था, मतलब सेकंड में काम किया मैंने वो। अच्छा। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो भाई साहब मैं तो वहां से भागा अपनी गाड़ी तक ना, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। अच्छा। बहुत देर तक मैं मतलब थोड़ा मुझे एक सीरन टाइप की ओर थी कि दोबारा मैं अपनी गाड़ी से उतरा। हाँ। मैंने गाड़ी में मेरी डंडा भी था डंडा लिया। हाँ। फिर दोबारा मैं जगह पे गया। हाँ। तो दोबारा मुझे दिखा नहीं। तो उस दिन मेरे दिमाग में है मैंने जब लंगूर बोलते हैं तो उसके आसपास कहीं जो है टाइगर हो सकता है। हाँ। अब तो हम जाते हैं तो देखते हैं टाइगर या लेपर्ड कोई भी प्रेडेटर। तो अब तुम्हें पता है ना, तो उस टाइम में नया नया था मुझे इन बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीजों के बारे में। कितना टाइम हो गया होगा ये? करीब 8-9 साल पहले की बात है जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। 8-9 साल हो गया भाई। तो ऐसा होता है। उसके बाद जब दिख गया तो बहुत खुशी भी हुई थी। अरे किसको बताऊं, फिर पहले घर में बताया कि आज मैंने वो देखा ही देखा। हाँ। और फिर उसके बाद फटाफट में गया मैंने वो अपनी जो मैंने खींची थी फोटो वो मैंने निकाली और सीधे मैं एक कलर लाइब्रेरी में गया, उससे मैंने फोटो बना दी इसकी यार। अच्छा। तो उसकी फोटो बना के भी मैंने अपने घर में भी लगाई। अच्छा। तो शुरू में इतनी खुशी भी हुई। अरे देखो आगे खरगोश भाग अंदर चले गए। तो यार अभी हम डेंस फॉरेस्ट से तो बाहर की तरफ आ गए तो हमें अलग ही कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, डियर्स दिखे थे थोड़े बहुत, वो भी काफ़ी डीप में थे और वाइल्ड हेयर थे जंगली खरगोश। बाकी अब विलेज वाला इलाका आएगा तो उस साइड देखते हैं अगर लेपर्ड वगैरह की कुछ मोमेंट हमें देखने को मिलती है। और उल्लू उल्लू होते ना लेफ्ट साइड में ना पूरा कॉरिडोर चल रहा है एलिफेंट का। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर। तो ये बेसिकली फतेहपुर गदगदिया हाथी कॉरिडोर है। यहाँ पे मतलब निकलता ही है थोड़ा एकदम से रोड पे ना आए करके ना, तो यहाँ पे बीच में से मतलब कैनाल टाइप की थोड़ा सा वो बना रखी है ताकि हाथी आएगा तो तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा वो नाले में आते हुए, तब तक गाड़ियों से दिख जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ भी यहाँ पे गोली चलती ना, कहीं ना कहीं जानवरों की सेफ्टी पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। तो कैनाल बनने से कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी में भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जानवर सीधे फट से भागते हुए क्रॉस नहीं करेगा। हाय लोगों, अब तो यार एकदम बारिश भी आने लग गई है तो देखते हैं अपनी नाइट ड्राइव कब तक हम कंटिन्यू कर पाते हैं। ये देखो जेसीबी जा रही है भाई ट्रक के ऊपर। बाकी देखिए मतलब यहाँ पे पूरा टाइगर का भी फोटोग्राफ्स है। वन्य प्राणी अचानक सड़क पर आ जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये, वन्य जीव गलियारा है बेसिकली। तो यार बिजली कैसे पड़ ली आपने देख लिया। बाकी सामने एक कॉरिडोर है और मतलब ये देखिए नेशनल हाईवे और यहाँ से ना मतलब मैंने भी देखा है वो तो एलिफेंट क्रॉस मारते हुए। तो अभी हम चल रहे हैं वापस क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है और बढ़ते ही जाएगी। तो यार अब तो हम आ गए हैं घर की तरफ
और काफ़ी सही था, एक नया फॉरेस्ट था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।